मेरे साथ जो है फरीन बेगम है और उनकी वालिदा फातिमा बेगम है। ये लोग जो है अलीनगर शाली वंडे के रहने वाले लोग हैं। इशू ये है कि फातिमा बेगम को जो है तकरीबन 6 लड़कियां हैं इनको, और फातिमा बेगम एक घर में जो है पकवान का काम करते हैं। इनके शौहर जो है कोई होटल में काम करते हैं। तो इनकी लड़की को, ये चौथी लड़की के लिए जो है पयाम ढूंढ रहे थे, तो इस दरमियान जो है दो एजेंट, सईद जो नवाब साहब कुंटे में रहता है, खदीर जो मुगलपुरे में रहता है, दो लोग इनके फातिमा बेगम के पास रिश्ता लेकर आए और कहे कि कोई ओमानी नेशनल है, ओमान का रहने वाला, जो 3 जाती घर है और वहां पर गवर्नमेंट सर्वेंट है, उससे आपकी लड़की की शादी कराइए, 1 लाख रुपए मेहर के देंगे, शादी के लिए अलग खर्चा देंगे, आपकी बच्ची को लेकर जाएंगे, फिर बाद में आप लोग भी साल में एक बार वहां पर जा सकते हैं, बहुत ऐश में रहेंगी आपकी लड़की। बहरहाल 50 किस्म के वादे किए। वादे करने के बाद में जो है 10 नवंबर 2019 को फरीन बेगम का निकाह हुआ। जो निकाह पढ़ाए हमारे खाजी मोहम्मद खदीर साहब, जो खाजी साहब है, उन्होंने निकाह पढ़ाए। निकाह पढ़ाने के बाद में जो है उन्होंने एक सर्टिफिकेट भी इशू किए। ये सर्टिफिकेट खाजी साहब जो है ये वक्फ बोर्ड का नहीं दिए, बल्कि ये अपनी उनकी कुछ खजात का सर्टिफिकेट दिए। देने के बाद में ये हुआ कि फरीन बेगम 25 दिसंबर 2020 को मस्कत गए। वहां पर जाने के बाद में ये लोग, कई मस्कत सिटी में नहीं है ओमान की, लेकिन किसी रिमोट एरिया में थे ये लोग, वहां पर ले जाकर बच्ची को छोड़ दिए। वहां पर जाने के बाद में ये मालूम हुआ कि जो लड़की की शादी जो सलीम नासिर अल सलीम से जिससे हुई थी, ये जो है एक पागल इंसान है, मेंटली रिटार्डेड पर्सन से लड़की की शादी कर दिए। अब वहां पर जाने के बाद में लड़की परेशान हो गई कि पागल के साथ मेरे को छोड़ दिए। फिर ऊपर से ये बोले कि ना सिर्फ इसको देखना तुम, बल्कि तुम बाहर जाना, बकरियां चराना, कारोबार करना, तरकारी बेचना, आके इसको पागल को तुम पालना। यहां तो वादा करे कि गवर्नमेंट सर्वेंट है, 3 घर है उसके जाती, तुम्हारी जिंदगी ऐश करेंगी, लेकिन वहां पर जाने के बाद में उल्टा बरक्स हो गया और फोन नहीं देना 3-3 महीने, 4-4 महीने, कभी बाहर वो भी गांव से निकलकर सिटी में आते, कहीं वाईफाई आती तो जो हैदराबाद का नंबर लेकर गई थी लड़की, वो फोन से व्हाट्सएप से कॉलिंग कर लेना। बहुत परेशान थी लड़की। तकरीबन 25 दिसंबर 2020 से आज तक 15 महीने होने को आ रहा वहां पर परेशान थी लड़की। और इनकी वालिदा मेरे पास आए थे 7 जनवरी 2021 के दिन इनकी वालिदा आए। हम डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर साहब को लेटर लिखे, मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर एम्बेसी को बोले, और यहाँ पर शालीबंडा पुलिस स्टेशन में ये एजेंटों के खिलाफ में केस बुक कराई, FIR नंबर 6 ऑफ 2021 अंडर सेक्शन 420-498 AIPC। तो अब आप देखिए कि जो हैदराबाद में जो शादियों का रैकेट चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का जो रैकेट चल रहा, और ये जो झूठ बोलकर शादियां करा रहे, निकाह करा रहे, इससे हमको आगाही करना चाहिए। इतने तंजीमा हैं, इतने सियासी जमातें हैं, अगर ये लोग जो जकात चंदा जो लेकर एयर कंडीशन ऑफिसों में बैठे हुए हैं, ये लोग अगर आगे बढ़ के अगर पुराने शहर के बस्तियों में, इन गरीब बस्तियों में जाकर काम करेंगे, तो मैं समझता हूं कि फिर कोई माँ फातिमा बेगम नहीं बनेगी, फिर कोई लड़की फरीन बेगम नहीं बनेगी। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि अगर कोई गल्फ का पयाम आया हमारी बच्ची की जिंदगी बन जाएंगी, खुदा रा आप अपनी बच्ची को ये समझिए कि मौत के मुंह में ढकल रहे हैं, बोली में डाल दे रहे हैं। कई मेरे पास ऐसे केसेस आ रहे हैं जो सोमाली नेशनल को शादी करके दे दिए, 5-5 साल से लड़कियां वहां फंसे हुए हैं, जुल्म का शिकार हो रही। अगर फर्ज करिए आप शादी करके भेज रहे, अगर ये लड़की मर भी गई तो हम उसकी लाश भी नहीं ला सकते यहाँ पर। माँ बाप तो जिंदगी भर मिल नहीं सकते उस लड़की से, इतने बुरे हालात है वहां के। तो खुदा रा जिनको ये एजेंट आ रहा है, एजेंट को बिठाइए, फौरी पुलिस को फोन करिए, वो एजेंट को जेल को भेजिए। और मैं हैदराबाद पुलिस कमिश्नर से गुजारिश करूंगा कि खाजी मोहम्मद खदीर साहब ने जो निकाह पढ़ाया, ये निकाह कैसे पढ़ाया इसकी तहकीकात की जाए, क्योंकि कोई फॉरेन नेशनल का अगर निकाह पढ़ाया जाता है तो खाजी को यह जिम्मेदारी है कि उसकी एम्बेसी से नो ऑब्जेक्शन और उसका मेडिकल सर्टिफिकेट देखना जरूरी है। तो खाजी साहब को ये नहीं मालूम कि वो पागल है शख्स, उन्हें मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं देखे, खाजी साहब जो है पैसे लिए निकाह पढ़ा दिए, और बीच में जो 1 लाख रुपए जो देने का वादा किए थे महर के, वो इनकी वालिदा के सामने रखे, फोटो लिए, ये दोनों एजेंट 1 लाख रुपए लेके भाग गए। खैर अल्लाह का फजल ये हुआ कि हम कोशिश करें, फरीन बेगम आज बचकर आ गए यहाँ पर।
लेकिन मैं ये नहीं चाह रहा हूं कि कोई और लड़की फरीन बेगम बने, कोई और मां जो है फातिमा बेगम नहीं बने। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर से मेरी गुजारिश है कि FIR नंबर 6/2021 अंडर सेक्शन 420-498 इसमें और सेक्शंस बढ़ाइए। ये सेक्शन अवेलेबल है नाके से, इसमें सेक्शंस बढ़ाते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई करें। ये सईद और ये खदीर के ऊपर PD एक्ट डालकर इसको 1-2 साल जेल को भेजिए। ये नेटवर्क को हमको सब मिलकर तोड़ना चाहिए, अकेले अमजदुल्लाह खान ये नेटवर्क को नहीं तोड़ सकता जब तक तमाम सियासी जमातें, तमाम मिली तंजीमें, गैर सियासी तंजीमें सब मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर आइए। और मैं खास तौर पर जो जुमे का खुतबा बोल रहे हैं, जितने इमाम पेश इमाम जो भी खुतबा पढ़ रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि अवाम को अलर्ट करिए ये शादियां जो हो रही हैं। इससे मैं गुजारिश करूंगा हमारे फरीन बेगम से कि इनके साथ जो व्यवहार हुआ, क्या हुआ, उसके ऊपर थोड़ी रोशनी डाली। मेरा नाम फरहीन बेगम है। मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहती हूँ, उसके बाद अमजदुल्लाह खान का मैं शुक्र अदा करना चाहती हूँ। मैं कल रात में आई ओमान से। मेरे को यहाँ पर सईद और खदीर एजेंट से लो, मेरे को यहाँ पर धोखे से शादी करके भेजे ओमानी से। ओमानी आए यहाँ पर, आए के बाद मेरे को ऐसा बोला उन लोग कि इन्हों अच्छे है, गवर्नमेंट जॉब है, घरा है इनके पास, उसके बाद शादी करे मेरे को। करे के बाद से ओमान को गई, मैं गए के बाद मेरे को मालूम हुआ कि इन्हों थोड़े मेंटली हैं। बल्कि उसके बाद में मेरे को घर में कुछ भी नहीं था रहने के वास्ते, उनके भाई के घर में थी मैं, जंगल में था उनके भाई का घर, वहां पर रहती थी। तो वहां पर नेटवर्क वही कुछ नहीं था, फोना नहीं थे वहां पर, फोना नहीं चलते थे कुछ भी। उसके बाद उन लोग घर वाले बोले कि इनको पालना, आप काम करके इनको पालना, इनको संभालना आप, बोल के ऐसा बोले। तो मैं और क्या बोलते, आपको खाने वगैरह कैसा दे रहे थे वो लोग? खाने में भी प्रॉब्लम थी थोड़ी मेरे को वहाँ पर, मैं बहुत प्रॉब्लम्स में थी समझो। वहाँ पर एक जंगल में था घर, वो कुछ सिटी में नहीं था। ये पागल शख्स से आप ट्रीट कैसा कर रहे थे, क्या कर रहा था, कैसा पागल बना इन्हों? मतलब इन्हों ऐसे पागल थे कि इन्हों रात दिन मेरे को दम कर देते थे रूम में, मतलब बहुत ज्यादा टॉर्चर हुए करते थे उन्हों, जैसा कि काम करो, पालो, मेरे पास कुछ नहीं है। उनके घर वाले भी बहुत टॉर्चर करते थे मेरे को, ऐसा करो वैसा करो बोल के। तो मैं नहीं कर सकती थी, फिर भी मैं करी थोड़ा बहुत, नहीं बल्कि नहीं, 1 साल रही मैं वहाँ पर, 1 साल 5 महीने ऐसा रही वहाँ पर। कल रात में ही तो मैं, आप क्या जो मजीद बच्चियाँ शादियाँ करके जाना चाह रहे हैं गल्फ में, उनके बारे में क्या है बोलिए? मैं हर बच्ची को, हर माँ को ये गुजारिश कर रही हूँ कि जो भी बच्चियां बाहर शादी करते हैं उन लोग सोच समझ के करिए, जैसा कि इन लोग अच्छे नहीं, मतलब इन लोग कई को शादियां करते होते, इन लोग मेंटली रहते, इन लोग को जॉब में काम करने खदामा की जरूरत। हाँ, इन लोग को खदामा को नहीं ला सकते, खदामा को लेके आए तो इन लोग को सैलरी देना पड़ता, शादी करके गए तो सैलरी नहीं दे सकते, इसके लिए उन लोग शादी करते। तो मैं आप लोग से यही गुजारिश कर रही हूँ कि उन लोग कितनी भी लालच देने दीजिए, लेकिन शादी मत करिए। बहुत हुआ तो यहाँ पर कामा करके आप लोग शादियाँ कर लो, लेकिन वहाँ पर मत करो। और एक बार पुलिस कमिश्नर से, हैदराबाद पुलिस कमिश्नर से मैं ये गुजारिश कर रही हूँ, सईद मोहम्मद खदीर एक्शन लीजिए उन लोगों के ऊपर, सबसे सख्त कार्रवाई करिए उन लोगों को। और बच्चियों से ये बोलना चाह रही हूँ कि एक कंट्री है सूडान, वहाँ पर मत करिए, वहाँ पर एम्बेसी भी नहीं है, वहाँ पर अगर आप लोग करें तो वहाँ से नहीं आ सकते अल्हम्दुलिल्लाह। फिर भी यहाँ पर जो बच्चियां हैं उन लोग एम्बेसी से आ जा रहे, लेकिन सूडान आखिरी है, आप लोग मत करिए वहाँ पर शादी।